ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे, क्लास 10th में इंडिकेटर में सबसे पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर है, और जो सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर है, और जो थर्ड है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। क्या बात समझ में आ गया? इंडिकेटर को हमने तीन पार्ट में अलग अलग बांटा है। इंडिकेटर को हमने तीन पार्ट्स में अलग अलग बांटा है। जो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जो दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, और जो थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर को तीन पार्ट में बांटा है। पहला आप लोगों को समझ में आ रहा है, पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अगर हम बात करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जिसको नेचर से प्राप्त किया जाता है, जिसको नेचर से प्राप्त किया जाता है, प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इसमें हम आप लोगों को दो एग्जांपल देंगे, एक होता है लिटमस पेपर और एक होता है हल्दी जिसको टर्मरिक बोलते हैं। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है? लिचनेस नामक ट्री से, लिचनेस नामक ट्री के बार्क से प्राप्त होता है, उसके छाल से प्राप्त होता है। तो पहली बात ये याद रखिएगा, लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है? लिचनेस नामक ट्रीस के बार्क से प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में जब डालते हैं, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू, जब इसको एसिड में डिप करेंगे तो वो किस में बदल देगा? रेड में बदल देगा। और बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। उम्मीद करते हैं आपको लिटमस पेपर के बारे में इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी होता है, हल्दी को अगर एसिड में डालोगा, हल्दी किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, आप सभी बच्चों को पता है। अगर हल्दी को एसिड में डालते हैं तब उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन सर उसको जब आप लोग सर्फ आपको पता होगा बेस में जब डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। हल्दी लीजिएगा और उसको एक कागज में रख लीजिएगा, और उसके ऊपर सर्फ डाल के और रगड़ेंगे आप उसको, तो वहां पे उसका कलर रेड हो जाएगा। तो जो बेस को, हल्दी जो होता है बेस को रेड कलर में बदल देता है। येलो कलर से किसमें बदल देगा? रेड कलर में, बेस में। और एसिड में येलो से येलो ही रहेगा, येलो से, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर खत्म होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? इसके बाद जो इंडिकेटर लैब में बनाया जाता है, जो इंडिकेटर लैब में बनाया जाता है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। फिर से बताते हैं, जो इंडिकेटर लैब में बनाया जाता है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है, दो एग्जांपल बहुत ही फेमस है, एक का नाम है फिनोप्थिलीन और एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज और एक का नाम है फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, अगर मिथाइल ऑरेंज लगभग ऑरेंज कलर का ही होता है, अगर उसको एसिड में हम डालते हैं, अगर उसे एसिड में डालते हैं तो उसका कलर पिंक कर देता है, और बेस में डालते हैं तो उसका कलर येल्लो ही रहता है। एसिड में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा? येल्लो के येल्लो ही रहेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? इसके जस्ट बाद हमारा जो चलेगा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिनोप्थिलीन को अगर आप लोग एसिड में डालेंगे, फिनोप्थिलीन को अगर एसिड में डालेंगे तो नो कलर चेंज, मतलब कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस, जैसे पानी का कलर है ना, कलरलेस। आप कहोगे सर कलरलेस क्या होता है, ये क्या कलर है? पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कीजिए और जो पानी का कलर होता है वही कलरलेस होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करने के बाद। समझ में आया? तो अगर आप लोग फिनोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं तो कलरलेस होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल द्वारा बताया जाता है। ये कैसे होते हैं? स्मेल द्वारा बताते हैं, ठीक है ना। स्मेल के द्वारा अगर आप बताते हैं तो उसमें ऑल फैक्ट्री आता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ओनियन, प्याज है और वनीला है। प्याज का कुछ स्मेल होगा, ओनियन का कुछ स्मेल होगा, वनीला का कुछ स्मेल होगा। अगर आपने उसे एसिड में डाला,
या वनीला प्याज, प्याज के ऊपर आपने एसिड डाला तो उसका स्मेल और बढ़ जाएगा, उसका स्मेल और बढ़ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड में बढ़ा देता है स्मेल। और बेस में जब बेस डालेंगे, जब प्याज या वनीला के ऊपर बेस डाल दिए, बेस एज अ सेंस इन अ सेंस NaOH डाल दिए, तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बात समझ में आ रहा है? प्याज के ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे स्मेल बढ़ जाएगा, और प्याज के ऊपर अगर बेस डालेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को इंडिकेटर के बारे में ये तीनों इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा, और इंडिकेटर यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि H2SO4 में अगर हम फिनोक्लिन डालेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा कलर लेस हो जाता है, क्योंकि H2SO4 आपका एसिड होता है, H2SO4 आपका एसिड होता है, और उसमें अगर आप लोग फिनोक्लिन डालेंगे तो क्या होगा, कलर लेस। ये क्वेश्चन बोल दे कि H2SO4 में अगर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा, तो H2SO4 एसिड होता है, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो पिंक कलर का होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं इंडिकेटर समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पहले यहां पर नोट कीजिए।